चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। कई साल पुरानी बात है, जब रेशम की शादी राजेंद्र महल का राजकुमार समीर के साथ हुई थी। महल में रेशम पे बरसों तक उसकी सास और समीर के मामा मामी जुल्म करते रहे, पर आखिरकार उन्हें हार माननी ही पड़ी। रेशम और समीर को दो जुड़वा बेटी हुए थे, आद्या और अदिति। अब वो दोनों बड़ी हो गई हैं। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आद्या, ब्रेकफास्ट तो करके जा। नहीं माँ, मुझे घर का नाश्ता अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर खा लूंगी। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आई नो माँ, पर घर के खाने में मजा नहीं आता, सो प्लीज मैं जा रही हूँ। अरे आद्या, चली गई, हमेशा से ये ऐसी ही है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी कोई बदलाव नहीं। कुछ देर बाद रेशम की दूसरी बेटी अदिति भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, पूरी छोले बहुत टेस्टी बना है, थैंक यू सुबह सुबह इतना अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए। अब माँ को थैंक यू बोलेगी। हाँ, वैसे एक बहन को घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं और दूसरी को बाहर का खाना छूना तक नहीं। अरे दोनों तरफ बैलेंस करना सीखो, जरूरत पड़ने पर कैसे एडजस्ट करोगे। मेरी आदत बहुत सही है, मेरे लिए एडजस्टमेंट की नौबत ही नहीं आएगी। आप आद्या का सोचिए, उसे बाहर का खाना हमेशा नसीब नहीं होगा। खैर मैं चलती हूँ, आज मेरा फैशन डिजाइनिंग कोर्स का आखिरी एग्जाम है, इसके बाद मैं एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करके बहुत तरक्की करूंगी। माँ, भगवान करे ऐसे ही हो। आद्या MBA फाइनल ईयर में थी और अदिति फैशन डिजाइनिंग में। दोनों अपने अपने स्टडीज में बहुत अच्छा कर रहे थे। रेशम और समीर दोनों इस इंतजार में थे कि कब बेटियों की नौकरी लग जाएगी, ताकि वो दोनों बहनों की शादी करवा के उन्हें सेटल करवा दें। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, फिर एक दिन, ओह माय गॉड, आद्या तू इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? बताऊंगी, अगर तू माँ पापा को कुछ बोलेगी नहीं तो। नहीं बोलूंगी यार, इतना तो भरोसा रख, चल बोलना प्लीज। आज रात को मेरे पुराने दोस्त एक पार्टी अरेंज किए हैं, पूरी रात चलेगी, बहुत मजा आएगा। वाओ, पार्टी, वो भी रात भर? मैंने तो ऐसा पार्टी कभी अटेंड नहीं किया, पर लगता है सच में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, पर तू इतना सिंपल कपड़ा पहन के क्यों जा रही है? तेरे पास तो पार्टी वेयर की कोई कमी नहीं है। अरे बुद्धू, अगर मैं घर से ही मॉडर्न कपड़े पहन के निकली तो माँ पापा मुझे कहाँ जाने देंगे, इसीलिए हैंडबैग में ले जाऊंगी और वहां वॉशरूम में चेंज करूंगी, सिंपल। बहुत स्मार्ट है तू, चल मजे कर। तू भी चलना, अच्छा लगेगा। मैं और पार्टी? नहीं यार। अरे चलना दीदी, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। कहां जाने के लिए तैयार हुए हो दोनों? पापा, फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। और अदिति, तुम्हारा तो एग्जाम खत्म हो चुका है। हाँ माँ, पर मैं आद्या के साथ जा रही हूँ, वो अकेली क्यों जाएगी, मैं तो फ्री हूँ ना। हाँ बहुत अच्छा है, जाओ दोनों एक साथ जाओ, और सुनो अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, बाय। बाय पापा। बाय, टेक केयर। आपको क्या लग रहा है, दोनों पढ़ाई करने निकले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आद्या अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसको किसी के साथ मिलके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी यही सोच रही हूँ, पर दोनों आखिर गए कहाँ? उन्हें ड्रॉप करके आने दो ड्राइवर को, पूछते हैं उसे। भैया ये लीजिए 500 रुपए। मैडम पैसे? हाँ पैसे, अगर सही से काम करते रहे तो आगे और भी पैसे मिलेंगे। घर वापस जाकर माँ पापा को मत बोलना कि हम दोनों क्लब आए हैं।
भैया तुम्हें ये बताना है कि हम दोनों संगीता के घर पढ़ाई करने रुके हैं और हमें पिक करने कल सुबह ठीक 6 बजे पहुंच जाना यहीं पर। ठीक है मैडम, चलता हूँ। सर, आद्या मैडम मुझे 500 रुपए देकर ये बोलने को मना की है कि दोनों पार्टी करने क्लब गए हैं। ठीक है, तुम घर आ जाओ। आद्या का ऐसे पार्टीज में जाना एकदम आम बात बन गई थी। अदिति तो नहीं चाहती थी, पर आद्या उसे जोर जबरदस्ती लेकर जाती थी। फाइनल एग्जाम खत्म हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ बहाना देकर वो दोनों घर से निकल जाते थे। हाय अदिति, तुम यहाँ पे ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? डांस नहीं करना? डांस नहीं, मुझे वो डांस बंस इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम ड्रिंक नहीं लेती। 2 पैग लगा दो, डांस बहुत अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारी बहन को देखो ना, कैसे एंजॉय कर रही है। वैसे मुझे पैग लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ना तो पार्टीज में आना पसंद है और ना ही डांस करना। मैं तो बस आद्या का साथ देने के लिए आई हूँ और वो एंजॉय कर रही है, मैं खुश हूँ बस। आद्या, तू किसके साथ इतना डांस कर रही थी? वो लड़का कौन है? तुझे कैसा लगा वो? मैं क्या बताऊंगी, मैंने थोड़ी बात किया है उसके साथ। तू तो ऐसे डांस कर रही थी जैसे उसे सालों से जानती है। सालों से तो नहीं, पर हाँ कुछ महीनों से हम दोनों डेट कर रहे हैं। डेट? ओ माय गॉड। अदिति प्लीज माँ को मत बोल देना जाकर। वो एक्चुअली घर पे हमारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पसंद का किसी को ढूंढ लूं। मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही हैपनिंग रहेगी, नहीं तो क्या पता अरेंज मैरिज में कैसा लड़का मिलेगा। हाँ बात तो वैसे सही है, पर क्या घर पे मानेंगे? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, माँ पापा हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तू तो जानती है ना। ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन पता चला कि आद्या को नौकरी लग गई है, वो भी एक बहुत अच्छे हिल स्टेशन के पास। वेरी गुड आद्या, बहुत अच्छा लगा सुनके कि मेरी बेटी को नौकरी लग गई है, वो भी इतने अच्छे जगह पे। मजा आएगा वहाँ पे, है ना पापा? हिल स्टेशन में जॉब, वाओ। सोचिए थोड़ा, वहाँ पे लोग साल में बस एक बार ट्रिप लगाना चाहते हैं, पर मैं तो वहाँ रोज ट्रिप लगा सकती हूँ, है ना? हाँ आद्या, काश मैं भी तेरे साथ रह पाती वहाँ पर। क्यों नहीं रह सकती, तू चल ना। कहाँ यार, हमारे इंस्टीट्यूट में कैंपस आने वाली है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया तो कहाँ पे जॉब लोकेशन होगा, फिर मैं तेरे साथ कैसे रह पाऊंगी। जो भी होगा अच्छा होगा, तुम दोनों जहाँ भी रहना खूब एंजॉय करना बस। वैसे तुम दोनों को तो पता है कि पापा कुछ रिश्ता देखे हैं तुम्हारे लिए। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि तुमसे एक बार पूछ ले कि कहीं तुमने किसी को पसंद करके तो नहीं रखा है। माँ, आद्या ने मना किया था बोलने को, पर अब टाइम आ गया है लगता है। आद्या एक लड़के को डेट कर रही है, वो भी वही हिल स्टेशन के पास किसी एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, और लड़का जेंटल, सेंसिबल एंड वेल सेटल भी। मैं मिल चुकी हूँ उससे। अच्छा, तो इसीलिए दोनों अक्सर कुछ ना कुछ बहाना करके घर से निकल जाते थे, नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आद्या हमारा आधा टेंशन कम कर दी। आद्या, तुम उस लड़के को बोलो कि हम तैयार हैं बात आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है पापा। और अदिति तुम? नहीं माँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ठीक है, फिर हम अब आद्या की ही शादी? नो पापा, एक शर्त है, मैं तभी शादी करूंगी जब अदिति के लिए लड़का मिल जाएगा और हम दोनों की शादी एक ही दिन में एक ही मंडप में होगी। आद्या के शर्त के अनुसार अदिति के लिए लड़का ढूंढा गया और सूटेबल मैच मिलते ही दोनों की शादी की डेट निकल आई। आद्या अपने बॉयफ्रेंड अविक के साथ घूम फिर के खूब मस्ती कर रही थी, और अदिति भी अपने अरेंज्ड मैरिज वाले मंगेतर सिद्धार्थ के साथ मिलना, डेट पे जाना, ये सब शुरू कर दी थी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।